गया के इमामगंज बाजार में दैनिक गति में लापरवाही के कारण थाने से महज 200 मीटर दूरी पर पीएनबी बैंक के समीप मोहिनी ज्वेलर्स में देर रात सेंध मारकर अज्ञात चोरों ने 40 लाख रुपए के सोने के जेवर उड़ाकर फरार हो गई। प्रोप्राइटर अभय कुमार अग्रवाल ने बताया कि देर रात मेरी दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर सेंधमारी कर दी और 40 लाख का आभूषण ले भागे। साथ ही सीसीटीवी की डीवीआर भी चोर ले गए हैं। इसके अलावा आभूषण व्यवसाय ने बताया कि पूर्व में भी अपराधियों द्वारा लेवी को लेकर हमारे ऊपर गोली भी चलाई थी, लेकिन स्थानीय लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अज्ञात चोर चोरी करने का नया हथकंडा अपनाया है। गाड़ी के जग से दीवार को तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर कनेक्शन को हटाते हुए चोरी को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है और आश्वासन दे रही है कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बराबर आए दिन इमामगंज में इस तरह की घटना घटते रहता है, बराबर चोरी उरी होते रहता है, कोई सुरक्षा के यहाँ लिहाजा से कोई दिखा नहीं जाता है। थाना प्रभारी ध्यान देते हैं लेकिन बारात में बची नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहरा उरा नहीं देते हैं। आए दिन ऐसा काम होते रहता है। बस क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से ही मांगते हैं, रात में गश्ती लगाए और क्या मांग करेंगे। अभी आप थाना आए थे, क्या आश्वासन मिला? थाना आए थे, आश्वासन मिला कि ठीक है रात में देखते हैं जैसा होगा इससे फिर बात करते हैं। फिर ऐसा बात हुआ है, कल रात में हमारे दुकान में चोरी हो गई है। मेरा दुकान का नाम मोहिनी ज्वेलर्स है। पीछे बैंक के पीछे से सीढ़ी से सेंधमारी की गई है जिसमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए की लूट हुई है। एक मेरा अलमीरा था जो सेफ था, पीछे वाले दो दरवाजा तोड़कर पूरा अलमीरा को तोड़ दिया गया है, तोड़कर सारा सामान निकाल लिया गया है जो कि ऑर्डर का सामान रखी हुई थी, स्टॉक रखा हुआ था और बहुत लोगों का सामान बनने के लिए जो दिया हुआ था वो बना कर रखी हुई थी, सारा सामान मेरे दुकान से चला गया। बिहार के गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।